नमस्कार, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। आज योगासन की 16वीं क्लास में हम जिस आसन से आज के दिन की शुरुआत करने वाले हैं वो है पक्षी आसन। तो आइए जानते हैं कैसे करते हैं ये आसन। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले जमीन पर दरिया चटाई बिछाकर बैठ जाएं। अब दोनों पैरों को दोनों बगलों में जितना संभव हो सके फैला लें। इस स्थिति में घुटनों को सीधा व तान कर रखें। इसके बाद दोनों हाथों को कंधों के बराबर में फैला लें। अब पहले कमर को दाईं ओर घुमाते हुए बाएं हाथ से दाएं पैर के अंगूठे को छुएं, फिर हाथ को बाईं ओर लाते हुए कमर से शरीर को बाईं ओर घुमाएं और दाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को छुएं। इस तरह से दाएं हाथ से बाएं पैर के और बाएं हाथ से दाएं पैर के अंगूठे को पकड़ें तथा इस क्रिया को जल्दी जल्दी करते हुए 10 से 15 बार करें। इस क्रिया के पूर्ण होने के बाद दोनों हाथों से दोनों पैर के अंगूठे को पकड़ लें और सांस को बाहर छोड़ते हुए सिर और छाती को फर्श से सटाने की कोशिश करें। बात करें अगर पक्षी आसन से होने वाले फायदों की, तो इस आसन के निरंतर अभ्यास से शरीर लचीला और कमर पतली होती है। इसके प्रतिदिन अभ्यास से शरीर को चारों तरफ आसानी से मोड़ा जा सकता है। साथ ही साथ ये आसन करने से मन एकाग्र होता है, सांस की गति सामान्य बनती है। ये आसन उन लोगों के लिए और भी ज़्यादा लाभदायक है जिन्हें मूत्र संबंधी रोग हो। साथ ही साथ बवासीर को ख़त्म करने के लिए भी ये आसन काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। आइए बढ़ते हैं अब आज के दूसरे आसन की तरफ, जो कि प्राणायाम है। प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले सुखासन में बैठ जाएं। इसके बाद बाईं नाक को दबाकर दाहिने नाक से सांस अंदर पेट में भर लें और फिर क्षमता अनुसार रुकने के बाद दोनों नाकों से सांस को बाहर निकाल दें। ये क्रिया आप दाएं और बाएं दोनों तरफ से कम 10-10 बार जरूर करें। इसके बाद वापस अपनी पूर्वावस्था में आ जाएं। आइए जानते हैं प्राणायाम करने से हमें किस किस तरह के फायदे होते हैं। गठिया के मरीजों के लिए प्राणायाम बेहद फायदेमंद है और सिर्फ बड़े बुजुर्ग ही नहीं बल्कि ये आसन बच्चे, महिलाएं सभी लोग कर सकते हैं, क्योंकि आजकल अर्थराइटिस की प्रॉब्लम बेहद सामान्य हो गई है, तो इसीलिए ज़रूरी है कि उसका बचाव पहले से ही किया जाए। चलिए अब बढ़ते हैं अपने आज के तीसरे आसन की तरफ, जिसे कि हम चिन मुद्रा के नाम से जानते हैं। चिन मुद्रा करने के लिए सबसे पहले सुखासन में बैठ जाएं। इसके बाद अपनी तर्जनी व अंगूठे को हल्के से स्पर्श करें और शेष तीनों उंगलियों को सीधा रखें। अंगूठे व तर्जनी को एक दूसरे से बिना दबाव के हल्के से स्पर्श करें। तीनों फैली उंगलियों को जितना संभव हो सके सीधा रखें। आप अपने हाथों को जंघा पर रख सकते हैं, हथेलियों को आकाश की ओर रखें। अब आती जाती सांसों पर पूरा ध्यान केंद्रित करें। कुछ देर इस अवस्था में रुकने के बाद वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएं। ये थी चिन मुद्रा। बात करें अगर चिन मुद्रा से होने वाले फायदों की, तो इस आसन से एकाग्रता और स्मरण शक्ति तेज होती है, नींद में सुधार होता है, शरीर में ऊर्जा की वृद्धि होती है, कमर के दर्द में आराम मिलता है। तो ये थी योगासन की 16वीं क्लास की आखिरी मुद्रा। उम्मीद करते हैं कि बताए जा रहे योगासन आपको बेहद पसंद आ रहे होंगे और आप इससे फायदा भी उठा रहे होंगे। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि हम जितने भी आसन आपके लिए लाते हैं, अगर उन आसन में से आप किसी भी एक आसन के बारे में विस्तार से जानकारी चाहते हैं, तो आप हमारे बोल्ड स्काई चैनल पर उन वीडियो को देख सकते हैं और उसके बारे में विस्तार से सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो इसी के साथ पूरी हुई योगासन की 16वीं क्लास। योगासन की 17वीं क्लास में कल फिर मिलेंगे कुछ नए आसन के साथ। फिलहाल बोल्ड स्काई में
बस इतना ही।